हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 5 और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है, लंबाई इसकी मैंने 18 इंच है, ये डबल है, इसी की लंबाई चौड़ाई के बराबर मैंने ये अस्तर लिया है। अब हम इसे सीधा रखेंगे, इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे। इसकी 3 साइड से मैं सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 3 साइड से सिलाई लगा ली, अब हम इसे सीधा करेंगे इस तरह से। और ये मैंने सीधा कर लिया है इधर की साइड। अब एक सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे ऊपर की तरफ, से हमें प्लेट से लगाने में आसानी हो जाएगी। ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब मेरे पास ये वाली लेस है, इसे यहाँ पे लगाऊंगी। इस तरह से मैं लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और लेस भी लगा ली है। अब हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। प्लेट्स हम अपने कान्हा जी की कमर के बराबर लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से मैं प्लेट्स लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें प्लेट्स लगा ली है। प्लेट्स मैंने 4.5 इंच में लगाई हैं। इसके लिए मैंने ये नेफा लिया है, नेफा के लिए कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है, लंबाई इसकी 8.5 इंच है, एक्स्ट्रा हम बाद में काट लेंगे। अब हम ड्रेस को उल्टा रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। और ये मैंने चोली के लिए कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है, लंबाई इसकी मैंने 3 इंच ली है। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड और लगाएंगे इस तरह से। फोल्ड लगाने के बाद अब हम गले की तरफ इसकी ज्यादा कटिंग करेंगे इस तरह से। ऐसे उल्टा रखेंगे। इसकी यहाँ पर 3 साइड से मैं सिलाई लगा लेती हूँ। इतना काम करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये नेफा लगा लिया और यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। एक फोल्ड यहाँ पे लगाएंगे, डोरी डालेंगे इस तरह से और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। डोरी से अलग लगाएंगे, ध्यान रखेंगे कि हमारी डोरी पर सिलाई नहीं लगे। और ये चोली पर मैंने सिलाई लगा ली तीनों साइड और ये सीधी कर लिया मैंने। अब मेरे पास ये वाली लेस है, यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। इतना काम करके आपको दिखाती हूँ। चोली पर लेस लगा लिए और यहाँ पर नेफा लगा लिया ड्रेस में, नेफा और डोरी। और यहाँ पर इस तरह से हम बीचा बीच में निशान लगा लिया। और यहाँ पे हम इसे उल्टा रखेंगे। और ये मैंने डोरी ली है गले पर बांधने के लिए, इसकी चौड़ाई 1 इंच ली है, लंबाई इसकी 9.5 इंच ली है। इसे उल्टा रखेंगे ड्रेस चोली को और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। मैं इतना काम करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे।
यहां से इस तरह से फोल्ड करते हुए, और यहाँ पे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। मैं इतना काम करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें डोरी लगा ली है। अब हम यहाँ पे निशान से निशान मिलाएंगे, इसे बीचा-बीच में रखेंगे इस तरह से। और मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा लेती हूँ, इतना काम करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये ड्रेस बन के तैयार हो गई। मेरे का 5 और 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। मैं अपने 6 नंबर के कान्हा जी को पहना कर दिखाती हूँ। ये मेरे 6 नंबर के कान्हा जी, इस तरह से हम अपने कान्हा जी के गले में बांधेंगे। इस तरह से आई है हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनके। मेरी वीडियो और मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।